योग प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाणु भाइयों मंगल त्राय लामा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाणु भाइयों आप देख रहे हैं हमारे पास बैठे हैं हमारे हलके के युवा दिलों की धड़कन संत आदमी और पूर्व विधायक भाई शशि रंजन परमार। और ये आज आए हैं यहाँ पर मढ़ान के शिव मंदिर में, जागरण होने जा रहा है, शिव कथा होने जा रही है। और महंत बोहरा जिसको बोलते दिखाइए, एक बार कैमरामैन से कहूंगा, उधर बैठे हैं और भी महंत आए हुए हैं, इनके दर्शन करने के लिए परमार साहब आए हैं। तो दो बातें इनसे कर लेते हैं, क्योंकि आज की ताजा जो है भारत बंद, विपक्ष के द्वारा किसानों द्वारा भारत बंद का आयोजन किया गया, उसके बारे में, क्योंकि ये भी भिवानी से चल के आए हैं, रास्ते में देखा होगा। तो सबसे पहले तो जी मेरे दर्शकों में थोड़ी सी राम राम कर दो। हाँ जी, राम राम। तो सर आपने भिवानी से यहां तक चल के आए हैं, रास्ते में आपने देखा कितना बंद का असर था? देखो आज मेरा तो यहाँ, क्योंकि भगत जी ने ये जागरण का प्रोग्राम किया हुआ है और मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ, उस लगन और भावना से मैं भगत जी के पास आया हूँ। और बीच में जहाँ भी कुछ प्रोग्राम थे, सुंगरपुर में भी, रोड्या भी, एक शादी के, सारी जगह जाके आया हूँ। तो जहाँ तक इस प्रोग्राम की और आप किसानों की बंद की बात है, तो आप और हम सारे कोई बार के तो हाँ नहीं, आपा भी किसान ने हाँ, लेकिन ये जरूर है कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। और पीछे जहाँ तक इस विषय की बात है, मैं पीछे हम भी तोमर साहब के पास गए थे, नरेंद्र सिंह तोमर जी पे, और उनको भी हमने भी कहा कि जी आप बुला के किसानों से बात करें, इसका समाधान करें, वो भी हमारे अपने हैं। और तोमर साहब ने कभी कहा, मैं तो बिल्कुल तैयार बैठा हूँ भाई, उसी का रिजल्ट है, हमने 11 राउंड की मीटिंग की है और अब भी जब कहेंगे तो हमको रास्ता निकालने के अंदर लगे हुए हैं। देखो मैं तो पार्टी का, बीजेपी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी हाईकमांड नेतृत्व इसमें लगा हुआ है। मैं एक बात का विश्वास जरूर दिलाना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी एक साक्षात संत के रूप में प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन वो जो किसानों का भला वो कर सकते हैं, और उनकी एक बहुत दूरदर्शी सोच है, उसी के अनुरूप ही ये जो ये कृषि एक्ट बना हुआ है उसी के अनुरूप है। आप देखें तो उसमें आप थोड़ा भरोसा रखें, देश के प्रधानमंत्री आप और हम सब ने मिलके बनाए हैं, थोड़ा भरोसा रखने की जरूरत है। इस बात के रिजल्ट बहुत दूरगामी रहेंगे, कोई दो राय नहीं है, छोटी बहुत दिक्कतें तो रहती हैं। ये जैसे आप हमारे यहीं से लगा लो तो सामने आज जिस तरीके से पहले सारी जगह ही बड़ा विरोध, जो क्रॉप इंश्योरेंस का कितना विरोध होता था कि जी इंश्योरेंस मत कराना, लेकिन आप सब ने इंश्योरेंस कराई और आप खुद गवाह हैं लांबा जी। जब इसमें जब सरसों का नुकसान हुआ तो अपन भी कम से कम 20-25 गांव में गए थे और मौके पे हैं, हाँ सॉरी, कपास के मौके पे गए, नुकसान हुआ तो स्पेशल गिरदावरी हमने सरकार को कही और वो बात माननी, और उसी अनुरूप ये सारी हुई। अब देखो उस इंश्योरेंस का कितना बेनिफिट है कि भाई अब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्लेम मिलेगा कि नहीं, और अब इतने करोड़ों रुपए मुआवजा मिलने लग रहा है। पहले इसके बारे में भ्रांतियां थी, अब लोगों को पता लग गया भाई ये तो इंश्योरेंस वाली तो बड़ी बढ़िया पॉलिसी केंद्र सरकार लेके आई है। तो अल्टीमेटली ये देखेंगे कि इसमें भी किसानों को दूरगामी बहुत फायदा मिलने वाला है। और एक बात और सर बीच में करना चाहूंगा, माफी चाहता हूँ, क्या अब इस दौर में अभी जो फसल सीजन चल रहा है, जो खरीदारी चल रही है, क्या इसमें प्राइवेट मंडियां काम करेंगी? हाँ, जहां तक मंडियों की बात है, हमने आप देखेंगे कि जिस तरीके से ये मोदी जी के प्रयास हैं कि आज आप देखें MSP के बारे में थी, लेकिन आप देखें कि हमारे यहाँ अब 1 अप्रैल से सरसों की भी शुरू होगी परचेज, और
कपास की और सरसों की भी और गेहूं की भी शुरू होगी, लेकिन आप ये देखें कि MSP मार्केट रेट कितना है, इसका मार्केट रेट लगभग कितना है अभी जो सरकारी खरीद का वो प्राइवेट मंडी 5800 रुपये लगभग। हाँ देखो प्राइवेट में जा रही है, सरकारी में आप देखेंगे तो 4600-4700 है, कितना डिफरेंस है। तो इसलिए जो मोदी जी के सोच थी कि भाई आप जो सरकार डिसाइड करे उससे आम ओपन भाव में किसान ज्यादा भाव में बेच सकता है, वो इस बार दिखाई दे रहा है। तो जहां तक मंडियों की बात है, जो यह थी MSP भी नुक्की नु रहेगा, मंडियां भी नुक्की नु चल लेंगी, और इस बार भी भिवानी में भी चाहे सरसों की है और सारी की सारी गेहूं की है मंडियां एज इट इज है, कुछ न कुछ फालतू ही होंगी, कोई MSP में भी रोड़ा नहीं, मंडियों में रोड़ा पहले भी थी और आगे भी रहेंगी। इसका बेनिफिट तो सर एक ही युद्ध मंडियां उप मंडियां बनाई गई थी पिछली बार आपके प्रयासों से, उप मंडियां बहुत बड़ी थी, क्या आप उप मंडियां जैसे भेरा मिरान इसरवाल इस तरह की मंडियां अभी इस दौर में भी रहेंगी? हाँ वो क्योंकि कोरोना का समय था और जब किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या है, एक साल पहले तो उसमें हम सभी एरियाज में दलाल साहब भी थे अधिकारी भी थे, क्योंकि वो किसी के समझ में नहीं आ रहा था, जगह जगह खोल ली थी। और अब के भी हमने मंत्री जी से दलाल साहब से भी कही है और उसी के अनुरूप है, अब भी और उप मंडियां भी फिर से कुछ शुरू कर दी हैं, जैसे कैरू भी है और भी है और कुछ और जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। कोई रोड़ा किसान कह रहे हैं कि अभी जो प्राइवेट मंडियां भाव दे रही हैं 6000 का 5800 का, तो ये तो एक बकावा है, शुरू शुरू में लालच दे रही है प्राइवेट मंडियां, बाद में तो इनसे ही बहुत कम लिया जाएगा। ऐसा है आज इस देश ने लोग मोदी जी पे भरोसा किया है, तो आप इस बात पे भरोसा करें और इसके लॉन्ग रिजल्ट देखने को मिलेंगे किसान को। सरकार की एक ही मंशा है किसान की आमदनी डबल की जाए और उसी अनुरूप ये एक्ट बनाया है। थोड़ा समय लगता है, आपको ध्यान होगी पीछे कांग्रेस सरकार में भी आप जैसे आर्थिक लिबरलाइजेशन का 91 का दौर शुरू हुआ था, उसमें नरसिंह राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, और उससे कितना सुधार हुआ, उस समय भी बड़ा विरोध हुआ था। तो लेकिन यही अब ये जो पॉलिसी है वो इसी तरह का उसी का अगला कदम है जी। हाँ ये जब एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये चर्चा हुई और सभी ने शोध करके बताया भारत में अब इसको एग्रीकल्चर पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, तो भारत बहुत बड़ी ताकत बन सकता है, किसान को मजबूत करने की जरूरत है। एक सर बीच में करना चाहूंगा मैं, जो डंकल प्रस्ताव कांग्रेस सरकार के समय में आया था, नरसिंह राव सरकार थी, डंकल प्रस्ताव उसका बहुत भारी विरोध हुआ था, कह रहे उसी का अगला कदम है ये। नहीं ऐसी क्या, देखो बात ये है इसमें, आज कभी कोई चीज किसी से, एक नियम है डोंट कंपेयर विद अदर्स, लेकिन ये जरूर है जो मैं तो एक ही कह सकता हूँ कि मोदी जी की सोच किसान को मजबूती की है। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, वो भी सच्चे एक इंसान हैं, उनकी भी भावना यही है भी हम किसान को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट करें, और उसी के अनुरूप ये सारे एक्ट और अमेंडमेंट है, और उसी के अनुरूप ही ये सरकार चाहती है। फिर भी किसान आप और हम सब किसान हैं, हमारे भाई हैं, और जो अच्छे सुझाव होंगे, सरकार हमेशा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार फ्लेक्सिबल है, कोई अच्छे सुझाव होंगे उसको मानने के लिए सरकार चाहती है, अच्छे सुझाव हमारे साथी हमारे भाई किसान दें और सरकार 100% उनको मानने की, मैं तो ये कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद परमार साहब का यहाँ पर आए और हमारे बीच में समय दिया और मेरे चैनल के लिए दो बातें किसानों के लिए कही। तो हम भी चाहेंगे कि परमार साहब किसानों के लिए लड़ें, हमारे हकों के लिए लड़ें। देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें वीडियो को। जय हिंद, नमस्कार।